जी बेटा जी, ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। लोग बहुत मुश्किल चीज समझते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है। अक्सर बच्चे भी डर जाते हैं, ओहो एक्टिव पैसिव हमें नहीं आते, बाकी तो हमें सब कुछ समझ आते हैं। तो एक्टिव पैसिव आपको समझाता हूं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर अगली बार ये आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर अगली बार ये आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो आज देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पहली चीज गौर से सुने, कान खोल के सुने। पहली चीज एक्टिव पैसिव क्या है। हम एक ही बात को दो तरीके से बोल सकते हैं, एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज, एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ तरीके। कैसे? वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो हॉकी खेलता है, ठीक है जी, पहचान लिया। ता तेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस क्यों आया कि ही शी इट नेम्स के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस आया। अब देखते हैं कि एक ही बात को हम कैसे दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे दो तरीके से कर सकते हैं, बोल के देखें। देखें वो हॉकी खेलता है, इसका मतलब है वो एक काम करता है, वो एक काम, काम क्या करता है, हॉकी खेलता है, तो इसका मतलब है एक काम किया जाता है उससे। तो इसी फिक्र को ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉकी खेली जाती है उस से। देखें गौर से, वो हॉकी खेलता है, इसका मतलब है वो एक काम करता है। क्या काम करता है? हॉकी खेलता है। तो ये जो काम करने वाला है, ये जो काम करने वाला है ही, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ही को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जो काम करने वाला है उसको क्या बोला? सब्जेक्ट। और काम किस पे हो रहा है, क्या काम हो रहा है? ये हॉकी, इसको बोलेंगे जिस पे काम हो रहा है। काम किस पे हो रहा है? हॉकी पे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट। वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। बड़ा ही आसान एक आपको फार्मूला दे रहा हूं, एक्टिव पैसिव में रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट लेना। क्या करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, वाजिब। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी ही जगह पकड़ लेगा हॉकी की और हॉकी जगह पकड़ लेगा ही की। वो हॉकी खेलता है, हॉकी खेली जाती है उससे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। अच्छा, इसी का नेगेटिव बोलो ना। इसको अगर मैं कहूं कि इसको नेगेटिव में ले जाएं, तो आप इसको नेगेटिव में कैसे लेके जाएंगे, जरा सोचें। ही डज नॉट प्ले हॉकी, बोलो ना, नेगेटिव, ही डज नॉट प्ले हॉकी। तो पैसिव में क्या बनेगा? हॉकी इज नॉट, यहां पे नॉट आ जाएगा, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय हिम, समझ आई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाएं, तो कैसे बोलेंगे? Does he play hockey? बोलो ना, interrogative form कैसे बोलेंगे? Does he play hockey? Question mark भी आ जाएगा। तो interrogative में क्या करेंगे? Is, इसको शुरू में ले आएंगे, is hockey played by him? फिर बताता हूं active से, जरा सा पीछे हो जाए। Active से passive कैसे बनेगा और क्या तरीका है, कोई पहाड़ नहीं है, बहुत ही easy है। एक ही बात को करने के दो अंदाज या दो मुख्तलिफ तरीके। एक्टिव से जब पैसिव में जाएंगे तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाएगा। जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, इधर देखें, यहां पे
जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आएंगे तो अंदाजे गुफ्तगु बदल जाएगा, लेकिन बात का मतलब नहीं बदलेगा, मतलब वो ही रहेगा, सिर्फ अंदाजे गुफ्तगु बात करने का तरीका बदलेगा। जैसे आपकी वालदा बोलती हैं, कभी कभी आपकी वालदा बोलती है ना, मैं तुम्हें मारती हूं, वालदा क्या बोलती है, मैं तुम्हें मारती हूं, तो ऐसे भी बोल सकती हूं, तुम मारे जाते हो मुझसे, तुम मारे जाते हो मुझसे, मैं खाना पकाता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, खाना ऑब्जेक्ट है, मैं खाना पकाता हूं, खाना पकाया जाता है मुझसे। आई जी देखें, आई कुक द फूड, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। अब इसको पैसे में कैसे बोलेंगे, द फूड इज कुक्ड बाय मी, ठीक है बेटा। इसका नेगेटिव क्या है, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी, सवाल क्या बनेगा, इज क्या खाना पकाया जाता है मुझे, इज द फूड कुक्ड बाय मी, बोलो इज द फूड कुक्ड बाय मी, इसको दो बार ही बोलना, बस बच्चे ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं सवाल में इज द फूड, इज द फूड इज कुक्ड बाय मी, इज दो बार ही आएगा, एक बार सवाल के लिए इसको बाहर लेंगे तो फिर दोबारा इसका यूज नहीं होगा, तो इंट्रोगेटिव में बोलेंगे इज द फूड कुक्ड बाय मी, सवाल ही बन जाए और सिंपल में यूं ही रहेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तमाम टेंसेस के लिए, इधर देखिए हमने यहां पे लिखा है हॉकी इज प्लेड बाय हिम, तो वी यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, हमेशा मेरे साथ साथ बोले ताकि आपको सारी जिंदगी के लिए याद रहे, पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म्स आएंगे। तो आज हमने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, क्या सीखा एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, आई बीट हिम, आसान से आसान तरीका सरल ही दे रहे हैं आपको, आई क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, इधर देखें करीब आके, इधर देखें आई आई बीट हिम, टेंस को पहचानो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस के ई एस का इजाफा नहीं हुआ, आई वी यू दे एंड आई बीट वी बीट यू बीट दे बीट द बॉयज बीट, बोलो आई बीट वी बीट यू बीट दे बीट द बॉयज बीट, आई डू नॉट बीट यू डू नॉट बीट दे डू नॉट बीट द बॉयज डू नॉट बीट, ठीक है, डू आई बीट डू यू बीट डू वी बीट डू दे बीट, क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। अब क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो क्या चेंजेस याद रखनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, बोलो हिम को हिम नहीं लिखेंगे, हिम को बोलेंगे ही में चेंज हो जाएगा, ही इज, ही के बाद इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, याद रखो ये चीजें तो बेसिक्स हैं। ही इज थर्ड फॉर्म आएगी, ही इज बीटन, ही इज बीटन बाय, ही इज बीटन बाय आई नहीं बोलेंगे, आई मी में चेंज हो जाएगा, वो मुझसे मारा जाता है, मैं उसे मारता हूं, मेरे साथ बोलो मैं उसे मारता हूं, वो मारा जाता है मुझसे। तो ये आज आपका काम है और एक्सरसाइज आपने इस तरीके से करनी है, ये देखें गौर से सुने, दो पेजेस आमने सामने खोलने हैं, दो पेजेस आमने सामने खोलने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे सबसे ऊपर ये जो मार्जिन लाइन लगी हुई है डेट वाली, एक कोने में डेट लिखनी है, सबसे ऊपर टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिलहाल मुतलिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट हैबिचुअल भी कहते हैं, एक पेज पे आपने लिखना है एक्टिव, एक लाइन में उर्दू, एक लाइन में इंग्लिश, फिर उसी के सामने उसका पैसिव वॉइस बना हुआ, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, इसी तरीके से आपने
इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में. थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल.